ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज की पांच बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े दावे करती है, मगर हकीकत कुछ और ही है। रामपुर में ताज़ा मामला सामने आया है, जहां पत्नी और पति बाइक से जा रहे थे, मगर तभी कुछ युवकों ने रास्ता रोककर छेड़छाड़ शुरू कर दी। पति के विरोध करने पर दोनों के साथ मारपीट की गई और पति के सामने ही महिला के साथ गैंगरेप भी किया गया, जिसका मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। देश में राम मंदिर का मुद्दा हर वक्त कोई ना कोई लेकर सामने आता रहता है। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर राम मंदिर बनाए और मंदिर तो बनकर ही रहेगा और इस बारे में केंद्र सरकार जल्द फैसला करे। शिवसेना के सारे सांसद अयोध्या में आए, रामलला का दर्शन किया, आशीर्वाद लेके कल संसद में जाएंगे और अपना करियर जो है इस बार का जो वो शुरू करेंगे। आप सभी जानते हैं कि पिछली बार जब मैंने कहा था पहले मंदिर फिर सरकार, तो उसके बाद ये जो मुद्दा था वो पूरे देश में गर्म हो गया था। जैसे कि मान लो कि ठंडे बस्ते में पहले पड़ा था, लेकिन इसके ऊपर भी मंदिर निर्माण के लिए भी अब गति आने लगी है और हमें पक्का विश्वास है कि जल्द से जल्द यहाँ मंदिर बनेगा ही बनेगा। ठाणे के पुलिस लाइन के पास एक इमारत की चौथे मंजिले पर स्लैब गिरने से 31 वर्षीय महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। सगळा खर्च आम्ही सारतो, घरातूनच सगळा खर्च सारतो, कंप्लीट देऊन देऊन लिंपून जातो, म्हणजे घरातूनच सगळा खर्च सारावा लागतो। आता आम्ही कलर वगैरे सगळं घरातूनच केलेला आहे, सगळा कलर वगैरे आम्ही। त्या दिवशी पण इथं माझा मुलगा होता, नेमका जरासा सरकला की इथं पडला। ठाणे के क्रापटवाड़ी गांव में रहने वाले लड़के ने अपने चचेरे भाई को मौत के मुंह से बचा लिया है। 14 वर्षीय नरेश कालू राम भाला और 7 वर्षीय हर्षद विठल अपनी दादी के साथ मोरबाड़ फॉरेस्ट के पास अपने खेत में थे। इसी दौरान तेंदुए ने हर्षद पर हमला कर दिया, मगर नरेश ने पत्थर और डंडे से मार कर अपने चचेरे भाई को बचा लिया। अगले ही दिन तेंदुए की लाश कुछ ही दूर पर बरामद की गई। घायल दोनों बच्चों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है, तो वहीं नरेश की बहादुरी की तारीफ चारों तरफ हो रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार का प्रकोप जारी है। मरने वालों बच्चों की तादाद बढ़कर 149 तक पहुंच गई है। इस दिमागी बुखार की चपेट में लगातार मासूम बच्चे आ रहे हैं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।